सांवेर तहसील की ग्राम पंचायत हाशवाखेड़ी बरोदा पंथ में बनेगी सीमेंट कंक्रीट की रोड। रोड ग्रामीणों का कहना है कि जब से हम कांकेर पर बसे थे तब से आज तक इस किसी भी नेता या सरपंच ने इस तरह की सड़क नहीं बनवाई है। सालों से हम कीचड़ से निकलने को मजबूर और परेशान हैं, लेकिन अब हमें खुशी है कि पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुमिता आंजना के प्रयासों से उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से रोड मंजूरी करवाली है, जिसका आज सरपंच प्रतिनिधि सुमिता आंजना जनपद सदस्य दशरथ चौधरी के साथ ही ग्रामीणों द्वारा भूमि पूजन किया गया। संतोष व्यास की रिपोर्ट। 43 साल में आज बन रहा है। प्रथम बार विधायक बने थे भाई साहब तुलसी सिलावट, उसके पश्चात उन्होंने गांव को बसाया और आज ये रोड बनने जा रही है सुमित आंजना सरपंच साहब की मेहरबानी में। इतना बड़ा रोड है, कब से यहाँ पर समस्या आ रही थी आप लोगों को? 43 साल से इसकी समस्या आ रही थी, कीचड़ देख लो आपके समक्ष है जो। अब रोड बनने से आपको खुशी है? रोड बनने से तो खुशी होगी साहब। अच्छा, इसमें किसका योगदान ज़्यादा रहा? इसमें योगदान ज़्यादा रहा है सुमित पटेल साहब का, दशरथ जी चौधरी जी का और गांव के वरिष्ठ नागरिकों का भी रहा है और आप लोगों का भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। क्या नाम है आपका? सोहन सोलंकी। ये जो रोड बन रहा है ये मध्य प्रदेश शासन के जो लोकप्रिय एवं वरिष्ठ मंत्री है तुलसीराम जी सिलावट, उनके आशीर्वाद से बन रहा है। इसको प्रधानमंत्री में जोड़ा गया है और उसके बाद जो बचा हुआ जो मार्ग है इसमें उसको ग्राम पंचायत भी बना रही है। और ये जो ग्राम पंचायत हाशवाखेड़ी में सबसे बड़ी सौगात है, जिससे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। और ग्राम बरोदा पंथ का ये अहम मुद्दा था, आज इस मुद्दे पे हम खड़े उतर रहे हैं। मैंने भी चुनाव में एक घोषणा की थी कि जब हम सरपंच बनेंगे तो राजनीति नहीं और काम नीति पर ध्यान देंगे, तो आज वही काम नीति पर ध्यान देते हुए इस मार्ग का काम चालू करवा रहे हैं और आज से ही काम चालू होगा। यह रोड कितने फीट का बनेगा और कितना चौड़ा बनेगा? ये जो रोड बन रहा है ये जो आबादी क्षेत्र में यहाँ 20 फीट का बनेगा और जो आबादी से जो बाहर है तो वो 3 मीटर का बनेगा। सीसी रोड बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित आन्ना, सरपंच प्रतिनिधि। सर, वो हमारे अभी सरपंच बने सुमित आन्ना, उनके आभारी हैं हम। और इससे हम कीचड़ से बहुत परेशान थे और अब ये रोड बन जाए इस चीज़ से हम कीचड़ से मुक्त हो जाएंगे और हमको ये सुविधा, बहुत दिनों से परेशान थे इस कीचड़ से और अब ये रोड बन जाएगा तो हम उनके आभारी रहेंगे। और उन्होंने बोला था जब सरपंच बने थे कि ये रोड बनाऊंगा मैं, आज वो रोड का काम चालू होने वाला है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद।